आइए बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पाठ पार्ट 22 महाराजा श्री अग्रसेन के अति लघुत्तरी प्रश्न एवं दीर्घोत्तरी एवं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। आइए हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1। जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? इसका उत्तर देखें आप। उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे कि जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी। पशु की जो बलि की जाती थी उस पर रोक लगा दी। इस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया। प्रश्न 2 देखिए, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हम लिख देंगे, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, लकीर के फकीर होना मतलब पुरानी बातों पर चलना। अगला देखिए लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने अपना जन्म लिया, इसलिए भारत को अवतारों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर लिख देंगे, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से लक्ष्मी जी ने उन्हें क्षत्रिय से वैश्य वर्ण ग्रहण करने के आदेश दिए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 6, पाठ में से उन गुणों को छांट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक है। तो उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक विभिन्न गुण है, जैसे जन कल्याण का कार्य करना, जन कल्याण का भाव रखना, एक रूपता, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों की समझ होना। ऐसे अनेक कारणों से व्यक्ति के महान मानव के गुण होते हैं। अगला देखिए आप, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न 7, महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। इसको 8 से 10 वाक्यों में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए आप, महाराजा अग्रसेन का जन्म जन्म 125 वर्ष पूर्व हरियाणा राज्य के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम राज बल्लभ था। उनकी शिक्षा उज्जैन के तटस्थ ऋषि के आश्रम में हुई। वह बचपन से ही बड़े आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बौद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। अगला देखिए, मूल्यांकन 15 में, तो मूल्यांकन 15 में देखेंगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? तो उत्तर लिख देंगे, 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर अग्रवंश के 18 क्षेत्रों का चलन प्रारंभ हुआ। अगला है लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, महाराज अग्रसेन की स्मृति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया और एक मालवाहक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। अगला देखिए आप, प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रेरणा थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट
कीजिए। तो बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे, यह निम्न आधारों पर स्पष्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो जो हमको समझ में आता है वो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।